कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज है 6th रोज़ा और बस ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मॉर्निंग रूटीन। और अभी 11:30 बज रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ और बस यही चल रहा है। स्कूल का छुट्टी गई है? नहीं, अभी तुम्हारा छुट्टी है। छुट्टी है? हाँ, 27 तक, उसके बाद जाऊँगी इंशाल्लाह। तो वेदर भी ठीक है गाइस, ना ठंड ना गर्म, अभी ठीक चल रहा है। बस रात में थोड़ा ठंड ऐसा है, बट आज का दिखा रहा है कि बादल बारिश होगा। क्या बोल रही? हाँ सही में, ये कौन फेंका है बनाना का छिलका ऊपर से? पता नहीं कोई फेंका है क्या। तो बस यही है, और जो होगा जैसा होगा, जो भी बनेगा इफ्तार वगैरह में आपको दिखाएंगे। आई थिंक 2-3 दिन का व्लॉग साथ में ही जाएगा, क्योंकि एक क्या तब क्योंकि एक ये रोज़ डालना, रोज़ एडिट करना टफ हो जा रहा है रोज़ाना। तो बस यही है, अभी मम्मी का काम स्टार्ट हो चुका है, अभी हो रहा है, दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में वो जो आपको दिखाया था कल। आज देखते हैं कितना बनेगा, कितना दिन और लगेगा। और यहाँ देखिए कपड़ा भी धुल रहा है मशीन में, देख लीजिए, रुके दिखाते हैं। इधर तो काम चल रहा है, चलो चलो चलो, यहाँ नहीं रहेंगे। बोल तो हाय। क्या कर रही राइशो? नाश्ता? वो भी खा नहीं रही हो, बदमाशी कर रही हो। खा रही हो? रोटी डाली मुंह में। हाँ नाइस, सबको बोल दो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6th रोज़ा। जायशी का तो स्कूल का छुट्टी हो गया है। चीज़ बोल भी बताओ खा रही है, और इसको अभी भी सर्दी खांसी भरा हुआ है। यहाँ का वेदर ही अजीब हो रहा है, क्या बोलूँ। लेके आई है पहले का मेरा फोटो, पिकनिक में हम लोग गए थे आयशा, तुम नहीं थी तब का है। इतना प्यारा फोटो है, पिकनिक पिकनिक में। तुम उस टाइम नहीं हो, पिकनिक अब पापा आएंगे तब, ठीक है? पापा ही ले जाते थे हम। तुझे बोलना है? तुम बोली व्लॉग में मैं पूरा आऊँगी, बोलो क्या बोल रही। आयशु सुबह सुबह गिर गई ना, कैसे गिरी बताओ? सब नहीं, मतलब क्या कर रही थी तुम? दौड़ रही थी? क्यों तुम स्कूल को मिस कर रही हो? स्कूल मिस कर रही हो? छुट्टी है तो अभी खुलेगा तो जाना है ना। हाँ, तुम्हारा फ्रेंड का क्या नाम बताओ? फ्रेंड का स्कूल में क्या नाम है, याद है? मुझे नहीं याद है। संस्कार, संस्कार। चलो अब अपना ब्रेकफास्ट करो, जाओ करो। देखिए सबको दिखाओ, गुड गर्ल है, खाती है, दिखाओ। डालो मुँह में। तो गाइस यहाँ पे छोले चाट बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मटर वाला कुछ छोला होता है। मम्मी बहुत टेस्टी ये बनाती हैं, और इसमें मम्मी मसाले डालती हैं, गरम मसाला वगैरह, नहीं सॉरी चाट मसाला वगैरह, घर का भी बनाया हुआ। प्लीज़ ऐसे नहीं करो। स्प्राउट्स वगैरह सब डला हुआ है इसमें गाइस, और सब मसाले डल रहे हैं। क्या बोलते हैं, चाट मसाला है, फिर नमक वगैरह है, पिंक सॉल्ट है, सब कुछ है। प्याज डाले, आप देख सकते हैं डाल दिया। गाइस यहाँ पे वड़ा पाव आज बनेगा, उसी की तैयारी हो रही है। और पापा ने वड़ा की जगह, मतलब पाव की जगह सॉरी, बर्गर बन ले आया है, तो उसी में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं बनाने का वड़ा पाव, कि उसी में करेंगे। और ग्रीन चटनी जो वड़ा पाव के लिए सबसे मस्त है, वो भी मम्मी ने बनाया है। तो अब इसको बड़ा बन को कैसे अब इसको पाव में कन्वर्ट करते हैं,
वही हम लोग सोच रहे हाफ हाफ कर देते हैं ताकि वो छोटा साइज थोड़ा हो जाए। तो ये थोड़ा स्ट्रगल है बट करना है, क्योंकि पाव की जगह आ गया है बर्गर बन। तो वड़ा पाव मेरा पर्सनली काफ़ी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है? मुंबई के लोगों को पसंद होगा बट मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है। मैं मुंबई की तो नहीं हूँ बट मुझे बहुत पसंद है। तो वही अभी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं बन को ताकि वो छोटा साइज़ हो जाए, फिर तैयारी हो जाएगा, वड़ा पाव बन जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें हम हरी चटनी जो घर पे बना हुआ है धनिया का और पुदीना का, वो डाल रहे हैं इसमें। इसके आप देख सकते हैं बन के अंदर, पाव तो है नहीं तो बन के अंदर डाल रहे हैं सब में। अभी हम लोग को एक एक करके लगा देना है ग्रीन चटनी। तो वही हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए पूरा पाव में। और फिर बटर भी हमने लगाया था गाइज, मैं बताना भूल गई, बटर भी लगाना है और ग्रीन चटनी। यहाँ पे मम्मी ने वड़ा ऑलरेडी मतलब ये किया हुआ है, आलू उसका मतलब बना दिया है आलू की फिलिंग, और बेसन में इसे रैप करके हम फ्राई कर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे जितना भी वड़ा हमने बनाया सबको ये कर देना है फ्राई। जितने भी पाव में ऐड होगा तो होगा, और जो वड़ा बच जाएगा वो भी हम लोग ऐसे ही खा सकते हैं फ्राई के साथ। वड़ा पाव बहुत मज़ा आता है खाने में, गरम गरम तो स्पेशली। तो ये अभी वड़ा फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छा साइज़ बन रहा था, बड़ा बड़ा साइज़, एकदम परफेक्ट शेप है वड़ा का। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे अपना पाव के अंदर डाल देंगे, तो हमारा वड़ा पाव फिर रेडी हो जाएगा। तो ये अभी फ्राई होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, जो कि लग रहा है वक्त। और पाव हम लोग ने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है चटनी और बटर वगैरह डाल के, अब हम इसमें डाल देंगे वड़ा, जो फ्राइड वड़ा है ना वो। वैसे तुम वो तो अब हम वड़ा इसके अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक करके। बट साइज़ ठीक ही लग रहा, थोड़ा बड़ा साइज़ हो गया वड़ा पाव का, बट दिखने में इट्स ओके ओनली। और यहाँ पे मम्मी बेसन का आज पकौड़ा बना रही है, फुल्की नहीं बनाई है। और समोसे वगैरह, समोसे रेडी है, पकौड़े फ्राई हो रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा फ्राई हो रहा है धीरे धीरे, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और वड़ा पाव भी रेडी है, और ये आलू कट, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रेडी है। ये हमारा इफ्तार हो गया डे 6 का। इफ्तार के बाद चाय इज अ मस्ट, मुझे तो बहुत पसंद है चाय, सिर्फ पीने का दिल करता है बेटर इफ्तार। यहाँ हम सब इफ्तार कर खाएंगे, और मम्मी का जब जो बन जाएगा ये वाला वो भी दिखाएंगे। देखिए आज बन पाएगा, जिन उन्होंने कहा था आज बन जाएगा, देखिए बट थोड़ा स्लो हो रहते हैं ये लोग, कितना टाइम लगेगा। आज थर्ड डे हो गया, तो बस यही है। और अभी प्रॉपर गर्मी अभी भी नहीं आया है, अभी भी यहाँ रांची में प्रॉपर गर्मी नहीं आया। आई थिंक होली के बाद ही आएगा, होली इज़ लेट भी है ना, इसलिए 1 वीक के बाद अभी होली है। तो बस यही सबसे अर्जा है, आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है कितना रोज़ है, आज है
सेवेंथ रोज़ा है और बस मम्मी का घर में काम चल रहा जैसा कि आपको मैंने बताया था। और आयशु बहुत जल्दी उठ गई थी, इसका छुट्टी चल रहा है फिर भी इसका आदत हो गया जल्दी उठने का, अच्छा ही है। और ब्रेकफास्ट कर ली थी ना आयशु, आजकल तुम खुद से ब्रेकफास्ट कर। हाँ और तुम ब्रेकफास्ट जल्दी कर ली ना, अपने से की ना। तो ये खुद से ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली है और पापा भी कोर्ट गए हैं माशाल्लाह, पहले से कुछ ठीक हैं। और भाई भी कॉलेज गए हैं, मम्मी हैं किचन में, तो अभी लेकिन काम नहीं हुआ है घर का, साफ सफाई अब होगा और उस रूम में काम चल रहा है जैसा कि आपको बताया था गाइस। बस यही सब कर रही है। ये देखिए क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही, तुम्हारा हाउस है, अच्छा है। इसमें पैसे जमा करना, सेव करना, ठीक है। तो बस गाइस यही सब चल रहा है और नॉर्मल व्लॉग है, और जो भी इफ्तार वगैरह बनेगा आपको बताऊंगी दिखाऊंगी, बस यही सब चल रहा है। और वेदर का फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा ठंड थोड़ा गर्म, और अभी फिर बादल बारिश का दिखा रहा है थर्सडे तक, मतलब 2-3 दिन तक दिखा रहा है, यहाँ देखते हैं कैसा रहता है। और आयशु का थर्सडे पीटीए मीटिंग हुई है, तो मेरे हस्बैंड तो कोलकाता में है, तो देखिए किसके साथ जाऊँगी, मम्मी जाएंगी कि मेरा भाई जाएगा साथ। एग्ज़ाम भी बताइए इसका होगा, 1 महीना गई स्कूल, तो बस यही सब है। क्या क्या बोल रही हो, सर्दी ठीक पहले तो हुआ ना, फिर बादल कर रहा है मम्मी, मैं वैसे भी गर्मी कहाँ आया, अभी 4 दिन का दिखा रहा है ऐसे बादल बारिश। चलो अंदर चलो, पराठे से बना दो पहले फिर उसमें डाल दो, पराठा हल्का सा फ्राई करना है ना। हाँ पराठा कितना है, एक डेढ़ डेढ़ तो देगी, इतना छोटा पराठा और बना दें रात में भी बना। हाँ हाँ वही अच्छा रहेगा, अभी तुम्हारा एक काट कितना रात ही का अच्छा रहेगा, एक एक काट एक रात बस एक रोटी नहीं, मतलब के कितना भी खाना तो गर्मी डाल तो खाए, अभी नहीं हुआ रेड अच्छा था। हाँ बेटा अभी गर्मी का बेटा वो, हाँ गर्मी के लिए है, तुम फिर आ गई अभी तो अच्छा खासा लेटी हुई थी वहाँ, तुम तो लेटी हुई थी, कितना है अभी तो लग डालो पहले बनाना चाहता तो ठंडा हो जाएगा जी।
इनको गलत किया तुमने, हम अपना बदन गलत, क्या फायदा तैनात रखने का हुआ, तुम क्यों ये सब चिपका दी। कैसे रहे हो अच्छा दूंगी दूंगी, रुको दूंगी मैं, हाफ लो हाफ लो, तुम बर्बाद करोगी। हाफ ले लो, हाफ ले लो, हाफ ले लो। हाँ हाफ ले, चलो बस अब छू, बस हो गया बेटा।